जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था, हिमालय के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। मतलब मैं ट्रांस हिमालय पढ़ा चुका था, उसके साथ उसके बाद मैं जो हिमाद्री, जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ा दिया था। और उसके सारे के सारे पीक्स जो थे उसको बिरयानी बना के, ट्रिक बना के मैंने तुम्हें याद करवा दिया था, है कि नहीं? याद है ना सब कुछ? ओके, तो आज जो हम देखेंगे मेनली हिमालय का, हमने देखा था जो अगर एक्चुअल जो हिमालय है, ठीक है, वो तो अगर पूरी हिमालय को कहेंगे तो हम चार हिस्से में बांट सकते हैं। पहला वाला ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, ओके नहीं, जो कश्मीर में यहाँ पे आ जाता था ऊपर वाला, यहाँ पे ट्रांस हिमालय। पहला वाला कौन सा था? ट्रांस हिमालय था। उसके बाद दो नंबर पे हम हिमाद्री को देखे थे, फिर तीन नंबर पे हिमाचल, फिर चार नंबर पे हमारा था शिवालिक, है कि नहीं? ट्रांस हिमालय हिमाद्री का हम खत्म कर चुके, तो आज हम देखेंगे मेनली हिमाचल और शिवालिक। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हिमालय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों को मिटा देता हूँ, ये सब जरूरत नहीं है, देखते हैं। तो जो हिमाचल है ना, ठीक है, मैंने देखो याद करो कि सबसे ऊपर कौन था। अगर ट्रांस हिमालय को छोड़ देते हैं क्योंकि हिमालय का हिस्सा ऐसे कहा जाता है, लेकिन उसको अगर मेन हिमालय में देखेंगे, मेन हिमालय का तीन हिस्सा होता है। ऊपर वाला लेयर जो यहाँ पे बनाया था वो कौन सा था? वो था हिमाद्री, जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, है कि नहीं? और उसके बाद आता है, नीचे आता है कौन सा हमारा? हिमाचल, जिसको हम लेसर हिमालय कहते हैं। और उसके नीचे आता है शिवालिक, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा हिमाचल है ना, इस हिमाचल को अगर तुम्हें याद रखना है तो इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे वहाँ पर इतना सारे पीक वगैरह थे, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें याद रखना है कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है, किसका? हिमाचल का। देखो यहाँ से जो शुरू हुआ हमारा कौन सा? ग्लेशियर हिमालय, क्योंकि ऊपर में क्या, ये ट्रांस हिमालय, उसके ऊपर से तो हिमाद्री चला गया। तो ये वाला जो माउंटेन रेंज है इसको हम कहते हैं पीर पंजाल। क्या कहते हैं बेटा? पीर पंजाल। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है, ठीक है। कश्मीर में थोड़ा हिस्सा इसका भी है, लेकिन ये मेनली कहाँ पे? हमारा हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद उत्तराखंड में जाके घुस जाता है, ठीक है। तो याद रखना बस, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इसका ज़्यादातर हिस्सा है। कौन सा है ये? इसे माउंटेन रेंज का नाम है पीर पंजाल माउंटेन रेंज, पीर पंजाल। उसके बाद यहाँ पे जो उत्तराखंड में, उसी का ही एक हिस्सा, मतलब उस यही इसी को क्या कहते हैं, मतलब इसी का जो हिस्सा है, मतलब लेसर हिमालय का और एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है धौलाधर। ठीक है, उसके बाद ये माउंटेन रेंज कहाँ घुस जाता है? ये घुस जाता है यहाँ पे नेपाल में। तो नेपाल में लेसर हिमालय का जो हिस्सा है उसका नाम है महाभारत रेंज। कौन सा बेटा? महाभारत रेंज। महाभारत देखे होगी? नहीं देखो, सब देखे होगी नहीं? ऐसे वैसे इधर से निकालो महारथी, वैसे महाभारत में होता था कि नहीं? अब तो जो नया वाला महाभारत वहाँ पे जो तो एनिमेशन में मतलब 3D निकल रहा है, वहाँ पे मतलब बाण नहीं होता, बस धनुष होता है। धनुष ऐसे पकड़ो और ऐसे करते ही निकल आएगा बाण, ठीक है। तो वहाँ से याद रखना महाभारत। तो क्या क्या तीन माउंटेन रेंजेस? पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला हिस्सा कौन सा है? वो है हमारा पीर पंजाल है, सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की नहीं है इसमें, बस और थोड़ा बहुत क्या है, यहाँ पे वैलीज देखने को मिलते हैं। क्या? पहले समझो वैली क्या होता है, बाद में बताऊँगा कौन कौन सा वैलीज है। पहले समझो वैली क्या होता है। वैली वो चीज़ होता है जब मान लो यहाँ पे एक पहाड़ी है और ये वाला है और एक पहाड़ी है, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे देखो, ये बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं वैली। मतलब दो पहाड़ ऐसे हैं, एक पहाड़ ऐसे, एक पहाड़ ऐसे, मान लो ये मेरा हाथ दो पहाड़ है, ये बीच वाला जो मैं मुंह घुसा रहा हूँ देखो यहाँ पे, ये वाला हिस्सा कौन सा? ये इसको हम वैली कहते हैं, ठीक है। मतलब दो पहाड़ी का ढलान वाला हिस्सा, उसको हम वैली कहते हैं। तो इस एरिया में मतलब ये जो हमारा लेसर हिमालय है, यहाँ पे काफ़ी सारे वैलीज देखने को मिलते हैं, फेमस वैलीज भी हैं। कौन कौन से वैलीज? एक नंबर पे आता है तुम्हारा कश्मीर वैली। कश्मीर वैली कहाँ है? ये तो सबको पता है सर, कश्मीर में होगा, इसमें ज़्यादा जानने की क्या बात है। दूसरा आता है, तुम्हें सुना होगा कुल्लू वैली, वो जाते हैं ना सब पिकनिक विकनिक बनाने, सब हनीमून वनीमून जाते हैं मनाली वनाली, सब कुल्लू मनाली कहते हैं ना, कुल्लू वैली। और ये कहाँ पे? और तीसरा है, ये है कांगड़ा वैली। कांगड़ा, ये दोनों है हिमाचल प्रदेश में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इस पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो तीन वैलीज याद रखना है, तीन माउंटेन रेंज याद रखना है, बस। इसे क्या हुआ?
और कुछ हिल स्टेशन भी अगर तुम चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि इस एरिया में जैसे कुल्लू मनाली काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन। हिल स्टेशन क्या होता है कि ऊंचाई में मतलब स्थित कुछ जगह होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं छुट्टी मतलब गर्मी के टाइम पे छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड होता है लेकिन वैसा वैसा होता है। हमारे यहाँ पर तो लोग वो हाथ का तो पंखा होता है ना, बिछना कुछ कहते हैं उसको, बिछोना ओडिया वैसे वो बीज लेते हैं, ठीक है। ए गरीब गरीब को कुछ गर्मी भी नहीं लगता, ठीक है। वो ऐसे मतलब जो गांव के औरतें होते हैं अपने दुपट्टा से ही बीज लेंगे, गर्मी को वहीं से भगा देंगे। ये सब CBSE वाले सब जाते हैं, छुट्टी में ना हिल स्टेशन जाएंगे, सब CBSE लड़के लड़के जाते हैं। तो लड़के यहाँ जाओ कुल्लू वैली, और हाँ वैली तीन याद रखना है तुम्हें, काश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ठीक है। काश्मीर वैली कश्मीर में, कुल्लू वैली कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ी कितना याद रखना है, तीन कौन कौन सा, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। कहाँ है ये, मेनली हिमाचल प्रदेश काश्मीर वाला रीजन में, ये उत्तराखंड वाला रीजन में, और ये नेपाल में होते हैं महाभारत रेंज, ठीक है। यहाँ पे कुछ फेमस हिल स्टेशन भी है अगर तुम चाहो तो, इसको याद रख सकते हो। कौन कौन से, मसूरी है, एक मसूरी है, फिर नैनीताल सुने होगे ये सब, और रानीखेत, ये तीन, ठीक है। बस तीन तीन ग्रुप में हो भाई साहब, अरे मज़ा आ गया। देखो कौन कौन से, माउंटेन रेंज तीन, लेसर हिमालय इसको हम हिमाचल कहते हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। तीन तीन बार बोलो मेरे साथ याद हो जाएगा, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। यहाँ जो वैलीज कौन सा, काश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ठीक है। नहीं काश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, हिल स्टेशन कौन, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, जैसे चाहो याद रखो, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे चलते हैं, देखो फिर उसके वाले जो नीचे वाला हिस्सा होता है कौन सा, हमारा हिमालय का जो सबसे, जिसको हम आउटर हिमालय कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, याद है कि नहीं, याद है ना, क्या कहते हैं उसको, शिवालिक। ओके शिवालिक वाला जो रीजन है यहाँ से आ जाता है, देखो ये नीचे नीचे से आएगा इधर, ये हो जाता है हमारा शिवालिक, ठीक है। इधर भी क्या है थोड़ा थोड़ा, चलो ये शिवालिक जो है ना, शिवालिक में इतना कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ तुम्हारे NCERT में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, बस यहाँ पे उतना दिया गया है NCERT में कि शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलता है। तुम कहोगे सर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज क्या होता है, बेटा वैली तो वैली होता है, वैली का मतलब क्या होता है, दो पहाड़ के बीच वाला जो ढलान हिस्सा, ठीक है, नहीं गड्ढा जो होता है तो पहाड़ के बीच में, उसी को तो हम वैली कहते हैं ना। तो वो वैली अगर लॉन्गिट्यूड में है, लॉन्गिट्यूड में मान लो देखो, जैसे ये एक पहाड़ी है मेरा, और ये एक हाथ एक पहाड़ी, ये एक पहाड़ी, तो बीच वाला जो है उसको हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं, है कि नहीं, जहाँ पे अगर ज्वाइंट हो रहा है ये वाला हिस्सा क्या है, वैली है। लेकिन वहीं पे अगर एक पहाड़ ऊपर होगा और एक पहाड़ नीचे होगा, ठीक है, उस बीच वाले हिस्से को भी वैली बनेगा। देखो हाथ में समझने वाले डायग्राम देखो, यहाँ पे हमने मैंने तुम्हें बताया ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ये बीच वाला जो हिस्सा है जहाँ से हम बच्चों में ऐसे बना के सूरज वूरज बना देते हैं, यहाँ पे सूरज नहीं बनाना है, ये हो गया हमारा वैली वाला रीजन। जरा गौर करो लाटीच्यूड, लाटीच्यूड क्या होता है, लाटीच्यूड ये वाला, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ का ये वाला जो, ये सब जो हम खींच रहे हैं, ये सब क्या खींच रहे हैं, ये जो लाइन्स खींच रहे हैं, ये सब क्या है, लाटीच्यूड है ना, है कि नहीं, अक्षांश, अक्षांश जिसको कहते हैं। तो अगर कोई वैलीज अर्थ में इस तरह से है, मान लो यहाँ पे एक पहाड़ी है, उसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ी है, तो ये वाला जो वैली है क्या, ये लाटीट्यूडनल है, लाटीट्यूड के हिसाब से वैली है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर मान लो वहीं पे, तो डून्स किसको कहते हैं, इसको हम अभी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कहते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ कि ये अर्थ है हमारा, और इधर से हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है कि नहीं, ये लॉन्गिट्यूड ही है ना बेटा। तो लॉन्गिट्यूड मान लो इधर क्या है, ये एक पहाड़ है, उसके बाद ये एक पहाड़ है, फिर उसके नीचे ये एक पहाड़ है, और ये एक पहाड़ है। तो ये जो दो पहाड़ का हिस्सा, दो पहाड़ का बीच वाला जो ये वाला एरिया देख रहे हो, ये भी एक ढलान ही होता है ना बेटा, ठीक है। मान लो ये एक पहाड़ी है, उसके नीचे और एक पहाड़ी है, तो ये जो ये पहाड़ी तो यहाँ पे इधर है, और एक पहाड़ी इधर है, तो ये जो बीच में आ रहा है ना, बीच वाला हिस्सा, उसको ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैली। क्योंकि ये पहाड़ी किस तरह से, लॉन्गिट्यूडनल तो है, उसके साथ साथ इधर से अगर देखें लॉन्गिट्यूड के, मान लो नीचे और एक पहाड़ी, जैसे हिमाचल हो गया, हिमाचल, शिवालिक हो गया,
मेनली लेसर हिमालय, इसको हम हिमाचल कहते हैं, और शिवालिक के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को कहा जाता है डून्स। क्या कहते हैं? डून्स कहते हैं, देखो DUN, डून, प्लूराल में हम डून्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ फेमस डून्स भी एक दो याद रख लो, कौन कौन सा है। पहला वाला हो गया हमारा, जैसे डेहराडून, ये सबको तो पता होगा डेहराडून। फिर एक कटली डून, कटली नहीं बेटा, कटली, हाँ कटली डून। और एक है पतली डून, पतली को पतली को जो गाना है, पतली पतली लड़कियाँ ही से पतली पतली होती है, कितना नहीं खाती है कि नहीं खाती, मोमोज खाएगी, पिज्ज़ा खाएगी, चावल वावल खा, रोटी वोटी तभी ना जाके सेहत लगेगा, है कि नहीं। देखो तो इसको डेहराडून, कटली डून, पतली डून, ओके। तो उसके बाद जो हमारा हिमालय है, हिमालय का जो ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे हिमालय क्या करता है, इधर ना ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है, घुस जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ घुसती है, ठीक है, उससे के बाद हिमालय इस तरह से इधर टेढ़ा हो गया। टेढ़ा मतलब समझते हो ना, इधर से जा रहा था सीधा, इधर से जा रहा है सीधा, फिर वहाँ पे मुड़ गया है इस तरह से। अच्छा हाथ को मेरा देखो, ये हिमालय जा रहा था सीधा 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 जा रहा था, फिर अचानक से यहाँ पहुँचा और घूम गया इधर, ठीक है। तो ये वाला जो पहाड़ी, जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं सब के सब, इन पहाड़ियों को कहते हैं पूर्वाचल की पहाड़ी। क्या कहते हैं? पूर्वाचल, पूर्व में है, पूर्व में है तो उसको पूर्वाचल कहते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे, पूर्वाचल भी कहते हैं, पूर्वाचल लिखे भी तुम्हें गलत नहीं होगा, या फिर तुम अगर तुम कह चाहो कह सकते हो तो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। और क्या क्या, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी कहते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा मैप में दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये मैंने बना दी नॉर्थ ईस्टर्न का हमारा एक रफली मैप बना दी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो ऊपर वाला है, इसको हम कहते हैं, ये हो गया कौन सा, ये वाला जो स्टेट है, ये हो गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर यहाँ से नीचे आओगे तो ये हो गया हमारा नागालैंड, उसके नीचे ये मणिपुर, पता नहीं है तो याद रखो, क्योंकि ये इधर वाले सारे स्टेट सबको याद होता है, वहीं कन्फ्यूजन होता है कि नहीं। फिर मणिपुर के नीचे ये मिजोरम, ये हो गया हमारा त्रिपुरा, ये मेघालय, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होता है, फिर ये हो गया हमारा असम, और ये हमारा तो सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आठ स्टेट्स हो गए नॉर्थ ईस्टर्न में, कितने हैं जो सेवन ईस्टर्न में, सिक्किम को ऐड किया नहीं जाता, सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है, लेकिन ये जो सेवन ईस्टर्न हम जिसको कहते हैं इसमें नहीं आता है। इस सेवन सिस्टम में कौन आते हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ओके। इतना सबको पता होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, याद रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें मेनली समझाऊंगा कि ये जो पहाड़ी हमारा जो हिमालय जा रहा था वो इधर मुड़ गया, तो जैसे मुड़ा तो कुछ पहाड़ी वहाँ पे बना, मतलब जो मुड़ा वाला हिस्सा को कुछ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पहाड़ी के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। तो क्या क्या पहाड़ी हैं ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो अरुणाचल प्रदेश से एक पहाड़ी शुरू होता है, यहाँ से इस तरह से थोड़ा टेढ़ा होके इधर से आता है, यहाँ नागालैंड में थोड़ा ऐसा घुस जाता है, ठीक है। इस वाला स्टेट्स का नाम मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो सबको दिमाग में घुस गया होगा। तो देखो ये जो अरुणाचल प्रदेश शुरू हुआ, नागालैंड में थोड़ा जगह घुस गया, ये वाला जो पहाड़ी है इसको कहते हैं, ये सबके सब किसके अंदर में, पूर्वांचल में, लेकिन स्टेट्स के हिसाब से उनका नाम अलग अलग रखा गया है। ये जो है इसको कहते हैं पातकोई, पातकोई हिल्स, ठीक है। बस यही है कि याद रखना है, बाकी तो ऐसे ही याद रह जाएंगे। देखो ये वाला जो हिल है इसको कहते हैं पातको हिल्स, उसके बाद नागालैंड में जो हिल्स हैं उसको कहते हैं नागा हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स। फिर मणिपुर में जो पहाड़ी है उसको कहते हैं मणिपुर, मणिपुर हिल्स, ठीक है। उसके बाद मिजोरम भी है, मिजोरम में मिजो हिल्स कहते हैं, सबको समझ में आई ना, आई कि नहीं समझ में। अरे यही पहाड़ी जो हिमालय हमारा, हिमालय माउंटेन यहाँ पे मुड़ गया था, ठीक है। और ये जो मुड़ा तो अलग अलग
स्टेट्स में उसका अलग अलग नाम रखा गया है कि नहीं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में दोनों में एक अनुपात कोई हिल्स, फिर नागालैंड में नागा हिल्स, फिर मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, बस कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। हिमालय ने हम देखो, हिमालय का हम एक तरह से लगभग खत्म कर दिए हैं, है कि नहीं। पहले हमने ट्रांस हिमालय को देखा, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, फिर पूर्वांचल को भी खत्म कर दिया। लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ बच जाता है, वो कौन सा चीज़ है? देखो मैं तुम्हें एक केक बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। नहीं हमेशा ज्योग्राफी ही पढ़ोगे, थोड़ा बर्थडे वड्डे भी विश करवा दो, ठीक। जैसे मान लो मैं यहाँ पे केक बनाया, समझना बड़ी ध्यान से, इस केक के अंदर सब ज्योग्राफी है। कितना बड़ा बनेगा, चलो और बड़ा बना, देख रहे हो सब बन गया केक हमारा। तो केक का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ना, ये किससे बनता है? ये बनता है ब्रेड से। यहाँ पे क्रीम होता ही नहीं, ऊपर वाले में 30% क्रीम होता है, यहाँ पे 0% होता है। फिर इधर क्या है, 70%, और ये हो गया 100% क्रीम से बना है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा केक का है कि नहीं, जहाँ पे वो जो नहीं उसके जिसका बर्थडे है उसको पकड़ के उसके मुँह में वहाँ पे घुसे देते हैं, है कि नहीं। पता नहीं यार क्या बर्थडे वड्डे मनाते हैं। अबे खाने के लिए लाए हो तो खा लिया करो, इस यहाँ पे मुँह में इधर क्या पर चलो छोड़ो सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ आ जाओ, तो ये देखो केक जो है, जैसे मान लो ये केक क्या है, इसको तो हिमालय के साथ कंपेयर करो। ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ट्रांस हिमालय, है कि नहीं। हमें ऐसे ही तो डिवाइड किया ना, हिमालय ऐसे ही तो है ना। ऊपर वाला का ट्रांस हिमालय बता दिया, ये हो गया हिमाद्री, फिर ये हो गया हिमाचल, फिर ये हो गया शिवालिक, समझ रहे हो। लेकिन ये बात ना कुछ जियोलॉजिस्ट को हजम नहीं हुआ। रात में उनको ये केक आके भूतिया सपना दिखा रहा था कि ऐसे कैसे हमको डिवाइड कर दिया। मतलब वो कहा कि भाई तुमने तो ट्रांस हिमालय को सबका सब मलाई दे दी, मतलब केक क्या कहे। हाँ भाई किसने क्या बोला था, 70% जो मक्खन वक्खन से बना होता है, ठीक है। तो जो सब मतलब तुमने इसको सब मलाई दे दी, फिर इसको 70% दे दी, फिर इसको 30%, हमारे मतलब जो नीचे वाला शिवा लेके वो कहा कि चाचा हमारे लिए कहाँ बचा है, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, हमसे ब्रेड से खा। तो देखो ये तो ये शिवा लेके कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कोई क्रीम नहीं। तो कुछ जो जियोलॉजिस्ट ने कहा बेटा रो मत शिवालिक, बेटा काहे रोते हो, है कि नहीं। तुमको भी दिलाएंगे क्या, केक दिलाएंगे मतलब क्रीम दिलाएंगे। तो उसने कहा कैसे ना, हम हिमालय को कुछ और तरह से डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये जो हम केक का एक एक लेयर लेके भाग रहे हैं ना, जैसे ये भाग गया, मैं इसको अगर पकड़ के लेके भाग गया, सर 900% क्रीम जहाँ पे, वो बन गया कौन सा हमारा ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे आ गया हिमाद्री, फिर हिमाचल। तो उन्होंने कहा कि नहीं काटते हैं हिमालय को केक की तरह काटेंगे, ठीक है। मान लो पता नहीं किसका बर्थडे था, उन्होंने कहा कि हिमालय को केक की तरह काटेंगे, तो उन्होंने काटा हिमालय को, ठीक है। जैसे मैं केक काटते हैं, ये ले काट दिया, यहाँ ये काट दिया, ये काट दिया। तो ये अब देखो इसके पास भी मलाई कुछ, मतलब इसके पास भी क्रीम है, इसके पास भी ब्रेड है, क्रीम ब्रेड सबके पास बंट गया ना सब कुछ चीज़ें। ऐसे ही मजाक में आराम आराम से समझो ज्योग्राफी, कुछ नहीं है ज्योग्राफी। देखो फिर क्या हुआ, तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया। तब अब देखेंगे हिमालय को और एक तरह से कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। थोड़ा मैं मैप बना देता हूँ। तो यहाँ पे ना जब कहा गया कि हिमालय को केक की तरह काटो, तो जियोलॉजिस्ट भी भाई बड़े मतलब परेशानी में पड़ गए, बड़े तकलीफ है उनको भाई कैसे, कि भाई हिमालय एक केक थोड़ी है कि उसको जाके चाकू से लेके काट दो, किससे काटोगे उसको, जेसीबी लेके जाओगे कि नहीं। जेसीबी का जो दांत होता है वही टूट जाएगा वहाँ पे, वह जैसे खोदता है। फिर उन्होंने कहा कि कैसे कैसे डिवाइड करें। फिर इन्होंने देखा जियोलॉजिस्ट गए हिमालय में घूमने के लिए, घूमते रहे। फिर जो कि देखा कि ओ भाई साहब, अरे तो अपने आप कटल है, मतलब कि कुछ नदियां ने पहले से हिमालय को केक की तरह काट के रखा है, ठीक है। फिर उन्होंने जब देखा कुछ नदियां ने, ठीक है, हिमालय को पूरी तरह से आराम से केक की तरह काट कर रखा, उनको मिल गया कि बस। जियोलॉजिस्ट ने कहा बस अब तो मिल गया, ठीक है। हम चाकू ढूंढ रहे थे, जैसे भी लाके काटने की सोच रहे थे, तो उन्होंने देखा कौन कौन सी नदियाँ। देखो ध्यान से, यहाँ से निकली हमारी इंदस नदी, इन्होंने काट दी, पाकिस्तान में चली जाती इंदस, इधर जाती। फिर यहाँ से इंदस का एक
जो हमारा क्या कहते हैं उसको ट्रिब्यूटरी सतलुज, वो भी निकलती है हिमालय के उस पार से, उसने भी यहाँ पे काट दी। फिर और एक नदी निकली, ठीक है, ये काली नदी, उसने भी हिमालय को काट दी। काली किसकी है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, मतलब गंगा में जाके मिल जाती है, तो इसको यहाँ कहाँ के ले आऊँ, गंगा आई नहीं तो कहाँ मिला उसको, तो समझो। उसके बाद एक नदी यहाँ से निकली, बांग्लादेश में घुस जाती है, ठीक है, और फिर यहाँ से और एक नदी निकली, इधर से गई, इधर से घूमते घूमते आई, आगे बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है, और इधर नहीं मिलते हैं, थोड़ा गलत हो गया, इसको उल्टा घुसा दिया। बाद में जाके मिलते हैं, चलो उससे मिलने ना मिलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला जो नदी, ये कौन सा नदी है? इंडस। उसके बाद सतलुज, फिर काली, माँ काली आ गई, इसको ना इसको कहते हैं तीस्ता, ठीक है, ये इसको तुम एनसीईआरटी में तुम्हारे दिहांग दिया गया है, दिहांग को हो चाहे ब्रह्मपुत्रा को, कोई गलत नहीं, दिहांग या ब्रह्मपुत्रा, तुम कहोगे सर एक नदी की इतनी नाम क्या है भाई, ब्रह्मपुत्रा की तो मतलब पागल हो जाओगे जब ड्रेनेज में इसके नाम लिखोगे। चाइना में इसको सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में घुसा मतलब इंडिया में, तो इसका नाम होता है दिहांग, ठीक है, फिर जब वो आसाम पहुंचती है तब जाके उसका नाम होती है ब्रह्मपुत्र, फिर वही जब जाके यहाँ घुस जाते हैं कहाँ पे बांग्लादेश में, उसका नाम हो जाता है जमुना, समझ लो, फिर गंगा का शब्द मिलने के बाद दोनों का नाम हो जाती है मेघना। ये सब तो मैं ड्रेनेज में पढ़ाऊंगा, उसमें ज़्यादा दिमाग में इतने ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता कोई नहीं है। तो ये जो नदी हमारी किस किस, देखो ये नदियाँ क्या काम कर रही है, चाकू की काम कर रही है, काट रहे हैं हिमालय को, है कि नहीं, नदियाँ काट काट के हिमालय को तो अलग अलग कर दिया है, तो इस अलग अलग हिस्से को हम अलग अलग नाम भी दिया गया है, उस नाम के हिसाब से इनका हम जानेंगे। देखो ध्यान से अगर देखोगे ना, इस वाले रीजन में कौन कौन आते हैं, कश्मीर आ जाता है कि नहीं, फिर यहाँ पे इस वाला रीजन कौन सा, ये पंजाब आ गया, फिर इधर हिमाचल प्रदेश आ गया, तो इसको लोकली मतलब उस जगह के नाम के हिसाब से, जो वहाँ पे स्टेट्स हैं, तो इसके हिसाब से इसको तीन तरह का हिमालय कहते हैं, तीन तरह के हिसाब से इसको हम कश्मीर हिमालय यहाँ लिखता हूँ। पहला वाला क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय को हो या पंजाब हिमालय को हो या उसको हिमाचल हिमालय को, हिमालय ठीक है। उसके बाद जो सतलुज और काली नदी के बीच वाला हिस्सा है, ये उत्तराखंड का ही मतलब ज्यादातर हिस्सा किसमें, इधर उत्तराखंड कहा जाता है, उत्तराखंड का एक एरिया है जिसको कहते हैं कुमाऊं, एक एरिया कुमाऊं, दूसरा गढ़वाल है, तो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि ये वाला जो हिमालय का नाम है इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं, ये क्या हो गया, कश्मीर हिमालय को चाहे पंजाब हिमालय को चाहे हिमाचल हिमालय को, ये वाला हो गया कुमाऊं हिमालय। फिर काली और तीस्ता के बीच में ये कौन सा जगह है, ये नेपाल है ना भाई, नेपाल ही तो है, ये नेपाल है, तो इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता और ये इसको हम दिहांग कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ये वाला जो हिमालय यहाँ पे जो बच जाता है इस वाले को कहते हैं यहाँ पे, ये होता है आसाम हिमालय, क्योंकि यहाँ पे आसाम है, आसाम हिमालय, ठीक। पहले नदियां याद रखोगे, उसके बाद पहाड़ी भी याद हो जाएगी। कौन कौन सी नदियां, सर हमको चार हिस्से में बांटा गया है तो पांच नदियां याद रखनी पड़ेगी, कौन कौन सा, इंदस सतलुज काली, इंदस सतलुज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्रा को चाहे दिहांग को, ठीक है, कौन कौन सी नदियां, इंदस सतलुज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्रा, पांच हो गए है ना, पांच, 1 2 3 4 5। और अब बीच बीच वाले हिस्से को, इंदस और सतलुज वाले को तुम कश्मीर हिमालय को, पंजाब हिमालय को या हिमाचल हिमालय को, सतलुज और काली के बीच में इसको भी बस याद रखने की जरूरत है कुमाऊं हिमालय, बाकी तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। यहाँ पे नेपाल है तो काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग के बीच में आसाम है तो आसाम हिमालय,
है कि नहीं, जिस जो जो एरिया में है उसी एरिया के हिसाब से उसको बोला गया है। ओके देखो फिर है ना, इसको अगर चाहो तो इस तरह से लिख के भी टेबल बना के बना सकते रख सकते हो। पहले देखो सबसे बेहतर होता है मैप को याद रखो, उससे बेहतर दिमाग में कोई घुसेगा ही नहीं। अगर तुम चाहो भी लिख के लिख सकते हो, मतलब लांग कर सकते हो, जैसे इंदस और सतलुज, ये बीच में आ गया कौन सा है, हिमाचल हिमालय को, कश्मीर हिमालय को या पंजाब हिमालय को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले आओ सतलुज को, और इधर कौन सा है काली, उनके बीच में कुमाऊं हिमालय, फिर काली और तीस्ता, इसके बीच में नेपाल हिमालय, ओके, फिर तीस्ता और दिहांग कहो या ब्रह्मपुत्र कहो, इसके बीच में आसाम आ जाता है, तो ये हो गया आसाम हिमालय, ठीक है। ओके समझ में आया सबको, बहुत अच्छा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।